एलएस टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल मेरा बालम थानेदार में बुलबुल को मिली वीर के मौत की झूठी खबर, टूट गई बुलबुल। जी हाँ दोस्तों, आपको ये खास जानकारी दे दे कि यहाँ पर जब वो संपूर्णा वीर के ऊपर चाकू से वार करती है तो वीर बेहोश हो जाता है और जो संपूर्णा के गुंडे होते हैं वो वीर को लेकर कहीं जाते हैं। बुलबुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि उसके थानेदार शाह की हालात कैसी हो। उसी बीच रतन का वीडियो कॉल आता है संपूर्णा को और वो कहता है कि संपूर्णा जी, आपका काम तमाम हो गया, वीर की मौत हो चुकी है। यहाँ पर मरा हुआ वीर दिखा रहा है रतन संपूर्णा को, तो संपूर्णा बुलबुल को दिखाती है कि देख लो, तुम्हारे थानेदार शाह की तो मौत हो चुकी है। तो बुलबुल को यकीन नहीं हो रहा है कि उसके थानेदार शाह उसे छोड़कर नहीं जा सकते। वेल दोस्तों, यहाँ पर बुलबुल को जब वीर के मौत की झूठी खबर मिली है तो बुलबुल पूरी तरह से टूट के बिखर गई है। वर्णिका बुलबुल को संभालती हुई नजर आ रही है, लेकिन बुलबुल को यकीन है कि उसके थानेदार शाह की मौत नहीं हुई है, बल्कि ये रतन और संपूर्णा की सोची समझी साजिश है। उसकी कैद में थानेदार शाह है, यहाँ पर क्या जो वीर है वो जिंदा होने वाला है और क्या वीर रतन की कैद में होने वाला है? तो आखिर रतन की कैद से रिहा होकर वीर कैसे बचा पाएगा बुलबुल का शोधा होने से? वेल दोस्तों, ये खबर भी सामने आ रही है कि यहाँ पर वीर अपना भेष बदल कर संपूर्णा के पास पहुंचने वाला है बुलबुल को खरीदने के लिए। यहाँ पर एक शेक का रूप लेने वाला है वीर, ताकि वो बुलबुल को खरीद सके और बुलबुल और वर्णिका दोनों की जान बचा सके। उसमें बाबा साहब भी वीर का साथ देते हुए नजर आने वाले है। तो वेल दोस्तों, आखिर ये कहानी कौन सा मोड़ लेती है वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आगे के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारी चैनल एबी सीरियल स्टार के साथ।